तोहर खिया बकैले दीवाना हे जाना बाड़ू अनमोल। मैं हमेशा खेसारी लाल का ही गाना गाता हूँ। हाँ हाँ, बहुत कोई रहते हैं और बोलते हैं सब के खेसारी लाल बन जाएगा तो फिर भैंस कौन चराएगा, इसे से बोलता है सब लोग। कौना देवता के गढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहर खिया बकैले दीवाना हे जाना बाड़ू अनमोल। बारू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दूसर जमाना, ये जाना बारू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दूसर जमाना, ये जाना। क्या बात है। मेरा नाम संतोष सत्य है और मुझे जितना भी अभी देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। सत्या जी, आपकी बहुत ही मधुर आवाज़ है, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गायकी है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गया जिला के रहने वाला हूँ। आप कब से म्यूजिक लाइन में, कब से गाना गा रहे हैं? 2018 से गा रहे हैं। आपने कभी म्यूजिक का शिक्षा ग्रहण किया है? नहीं, मतलब अभी क्लास नहीं किया बिना क्लास नहीं तो फिर इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं? कैसे इतना बचपन में 4-3 ये सब क्लास में स्कूल में गाया करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी दिन। अच्छा, मतलब सुन सुन के ही लोगों का। सुन सुन के। सबसे ज्यादा किस गायक को सुनते हैं अभी फिलहाल? खेसारी लाल यादव को। खेसारी जी को आप सुनते हैं जी? उनका कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? मेहंदी लगा के रखना फिल्म का गाना है। हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप दर्शकों को सुनाएं। जान गईनी ये हो जान, जान गईनी जान, जान गईनी ये हो जान, जान गईनी जान, प्यार नहीं खेल लिखल, प्यार नहीं खेल लिखल, हाथ के लकीर में नहीं खुतक दीर में जान, प्यार नहीं खेल लिखल, हाथ के लकीर में नहीं खुतक दीर में जान। क्या बात है। अच्छा, खेसारी लाल जी का गाना आप क्यों सुनते हैं? उनका गाना में आपको क्या खास बात लगता है? मुझे अच्छा लगता है उनका गाना, डांस करने का मन अलग करता है उसपे। मतलब उनका जो कलाकारी है डांस करने का वो आपको ज्यादा भाता है जी? आप स्टेज करते हैं जी? अभी फिलहाल एक स्टेज प्रोग्राम किए हैं। मतलब अभी तक पहला स्टेज कहाँ किए थे? मोहरा गाँव पड़ता है, अतरी थाना में गया जिला। कैसा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक के द्वारा? अच्छा मिला, सब बोल रहा है ठीक करता है। अच्छा, एल्बम आपने कभी निकाला कि नहीं? जी, एल्बम बहुत सारा निकला हुआ है अभी। अच्छा, तो आपका कोई ऐसा गाना जो मार्केट में आपके घर तरफ बजा हो या फिर भोजपुरी क्षेत्र में बजा हो? हाँ, बजा है, सैड सॉन्ग है जो संजीवनी भोजपुरी से रिलीज करवाए हैं। अच्छा, जैसा एसएम म्यूजिक से जी? अच्छा, गाने का कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा मिला है। घर वाले सपोर्ट करते हैं? घर वाले सपोर्ट करते हैं लेकिन पैसा उसे नहीं दिए हैं अभी तक। अच्छा, तो फिर कैसे एल्बम निकालते हैं जब पैसा नहीं मिलता है आपको घर वाले से, तो कैसे पेमेंट कैसे करते हैं? गांव का एक चाचा लगते हैं। अच्छा, वही सपोर्ट करते हो जो मुंबई में काम करते हैं, अशोक यादव नाम है उनका। अच्छा, तो आपका अशोक चाचा सपोर्ट करते हैं जी? आपको क्या लगता है जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो आपको मिल पाएगा जी? अगर मेरे पब्लिक भाइयों के अच्छा अगर चाहते होंगे कि हमको आगे बढ़ाने तो जरूर बढ़ सकते हैं हम आगे। अच्छा, पब्लिकों के लिए आप इतना अच्छा गीत गाते हैं और आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलता है जी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके गांव घर वाले कभी कोई ताना मारता हो या फिर आपको कोई पीछे खींचने का प्रयास करता है, आपको रास्ता से विचलित करता है, ऐसे लोग आपके करीब रहते हैं ऐसा कोई है? हाँ हाँ, बहुत कोई रहते हैं और बोलते हैं सब के खेसारी लाल बन जाएगा तो फिर भैंस कौन चराएगा, इसे से बोलता है सब लोग। अच्छा, तो भैंस चराना और खेसारी लाल बनने से कोई संबंध नहीं है। आदमी का किस्मत कभी बदला जा सकता है। अगर आप में टैलेंट है, आप में क्षमता है, प्रतिभा है, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। खेसारी लाल यादव जी भैंस चरा कर जब वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे आ सकते हैं तो आप, अगर आप में काबिलियत होगी तो अभी आएंगे। कहने वालों का काम है, दुनिया में कहते ही रहते हैं, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि जाते जाते पब्लिकों का एक कोई ऐसा गाना सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमेशा गाते होंगे। मैं हमेशा खेसारी लाल का ही गाना गाता हूँ जी। जी, मैं चाहूंगा आप गाइए। कौना देवता के गढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहर खिया बकैले दीवाना
हे जाना बारू अनमोल बारू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा न दूसर जमाना हे जाना बारू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा न दूसर जमाना ये जाना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल के सारे यूनिट की तरफ से कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल के लिए लाइव आए और अपने जिंदगी से तमाम जुड़ी खबरों को बातों को रखा और इतना प्यारा प्यारा गीत सुनाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम की ओर से और बधाई कि आप आगे ऐसे बढ़ते रहें और नाम करते रहें, भोजपुरी का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।